अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज मैं आया हूँ अपने बाड़े पर। अभी आपको जो है अपने बाड़े के सूरत हाल दिखाता हूँ। जो जो जानवर हमारे पास हैं वो आपको अपने जानवर दिखाता हूँ। और हमने जो बकरा ख़रीदा वो भी मैं आपको मंडी में सही से दिखा नहीं सका, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बकरा भी दिखाता हूँ आपको अपना, और बछड़े भी दिखाता हूँ। ये बकरा हमारा नहीं है, ये बकरा भाई के किसी फ्रेंड का है। और ये माशाल्लाह से हमारे जो है पटे हैं। ये बकरियां हैं हमारी, ये हमारी बकरी है बड़ी वाली, और ये सब इसके ही बच्चे हैं। ये बड़ी वाली बकरी है हमारी, और ये सब जो है माशाल्लाह इसके ही बच्चे हैं। तो ये भी इसकी, ये माशाल्लाह इसके ही बच्चे हैं ये। और ये इनका छोटा सा खूबसूरत सा बकरा, ये माशाल्लाह देख लें आप। अभी एक महीने का, अभी बकरी ने ये दो बच्चे दिए थे, बकरे दिए थे। और ये वाला अभी जो एक महीने का, ये वाला बकरा आप देख रहे हैं, ये बकरा एक महीने का उम्र में अभी अभी माशाल्लाह से पालेंगे इसको, और इसको भी जो है बड़ा करेंगे जिस तरह के ये दोनों बड़े हुए। अभी मैं आपको ये बकरी दिखाता हूँ, ये खड़ी हो उधर। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें आप, खूबसूरती देखें आप, वज़न देखें। अभी ये 6-6 महीने की है एक ये वाली बकरी, और एक ये वाली बकरी, ये दोनों अभी 6-6 महीने की है। ये माशाल्लाह इस बकरी ने जो है दी थी, इस बकरी के बच्चे हैं ये सब, और ये छोटा बकरा भी इनका बच्चा है, और ये इनकी कंप्लीट फैमिली है। माशाल्लाह आप खूबसूरती देख सकते हैं, जैसे कि ये बकरी माशाल्लाह। अच्छा, ये बछड़े, एक ये बछड़ा है जो हमने भैंस का उन्होंने से लिया था 1,13,000 रुपये का। माशाल्लाह आप बछड़ा देखें। ओह 1,13,000 रुपये का लिया था ये भैंस का उन्होंने मंडी से। आप कमेंट में बताएं वज़न में कितना होगा ये, और सही लिया महंगा लिया, कमेंट में बताएं। और एक ये बछड़ा है हमारा, एक ये बछड़ा लिया हमने बेस्ट कॉलोनी मंडी से 1,03,070 का। ये वाला बछड़ा हमने लिया बेस्ट कॉलोनी मंडी से। ये आप कमेंट में बताएं कि वज़न में कितना है, और सस्ता लिया महंगा लिया, जैसा भी आप कमेंट में बताएं। एक ये बछड़ा है हमारा 1,03,070 का लिया है हमने। वज़न में ये हमें 4.5 मन लगता है, आप बताएं कि आपको वज़न में कितना लग रहा है। माशाल्लाह ये बछड़ा है, और ये क्या हमारा चितकबरा, चितकबरा आपको दिखाते हैं, चितकबरा भी बैठा हुआ है। ये है हमारा चितकबरा, एक ये बछड़ा है हमारा, ये भी हमने भैंस कॉलोनी मंडी से ही लिया है। और ये तीनों बछड़े एक साथ ही लिए थे, उस दिन आपको दिखा नहीं सके क्योंकि ये वाला जो है थोड़ा नाराज़ हो गया था, इसलिए आपको जो ये बछड़ा हम उस दिन दिखा नहीं सके। ये वाला बछड़ा हमारा थोड़ा नाराज़ हो गया था उस दिन, तो अभी मैं आपको जो ये बछड़ा दिखाता हूँ। ओह खड़े हो बेटा, शाबाश। ये आप बताइएगा कि वज़न में आपको कितना लग रहा है। ओह उड़िया बेटा, शाबाश, उठो बेटा, आपका इंटरव्यू करना, जल्दी से उड़ जाओ, शाबाश। ओह ओह सारे घोड़े बेच के तुम ही आए हो, उड़ जाओ शाबाश। माशाल्लाह एक ये बछड़ा है हमारा,
जिसका मैंने आपको बताया छिटकबरा, ये हमने लिया 1,43,000 रुपये का, 143 वज़न में। हमें लगता है ये 4 मन मैक्सिमम 4 मन। आप बताएं कि आपको वज़न में कितना लगता है ये। ये माशाल्लाह से वो बछड़ा है जो हमने उस दिन रात को सौदा किया और आपको दिखा नहीं सके, क्योंकि उस दिन ये थोड़ा नाराज़ हो गया था, लड़ाई झगड़े कर रहा था उस दिन। ये आप देख सकते हैं बछड़े को, माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है ये। आपको वज़न में कितना लग रहा है कमेंट में बताएं। और एक बात आप सबसे शेयर करनी थी, और एक सवाल था जो आप सबसे पूछना था, वो ये है कि आप इस बछड़े को देखें ज़रा, ये वाला बछड़ा 167 वाला, आप इसको ज़रा गौर से देखें बछड़े को। मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि ये वाला जो बछड़ा है 1,03,70 का जो हमने लिया है, वज़न में ये थोड़ा ऊपर है, और ये जो हमने लिया है 1,43,000 रुपये का, इसको भी आप अच्छी तरह देख लें। दोनों वज़न में आपको सेम लग रहे हैं या कोई कम ज़्यादा लग रहा है? माशाल्लाह से आपके पास आँखें, आप देख रहे हैं, आप जो ज़रा इस बात को क्लियर करें कि आपको इनमें कौन सा बछड़ा बड़ा लग रहा है, कौन सा बछड़ा छोटा लग रहा है। है या कोई कम, जैसा भी आपने कमेंट में हमें बताना है। किसी बहुत सारे भाइयों ने कहा कि यार वो आपने छिटकबरा नहीं दिखाया, तो हम इसको कैसे दिखाते, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था, उस टाइम लड़ रहा था ये, अल्लाह अल्लाह करके, तो उस टाइम इसको जो है हमने गाड़ी में चढ़ाया। माशाल्लाह से ये दोनों जानवर हमारे जो है शरीफ बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अभी मैंने छिटकबरे का चेक किया, छिटकबरे का वाइब्रेट तो काम कर रहा है। अब ज़रा ये अपने वाले का चेक करूँ कि इसका वाइब्रेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको देखो, ये हमें छेड़ रहा है, अभी 1 महीने का बच्चा है और ये हमें छेड़ रहा है, बताओ। ये देखो, इसको ट्राउज़र ही मिला है हमारा चबाने के लिए, और कुछ नहीं मिल रहा इसको चबाने के लिए। बेटे बड़ी बात, बेटे अच्छा, तो रह गए हमारे सेट साहब, ये नीचे कुछ सेट खड़े हैं, मुर्गे सेट, और बकरे के पास ये खड़े हैं, ये छीनी मुर्गियाँ हैं कुछ, ये रहे हमारे सेठ साहब। सेठ साहब क्या हाल है, खैरियत से हो? बड़े में दिल लग रहा है या नहीं? इनको हमने 2 दिन तक जो है घर पर रखा हुआ था, और 2 दिन तक ये घर पे थे साहब। आओ मैदान में आओ जरा, चलो। 2 दिन तक ये घर में थे, घर में रह के तो ये हो गए थे बेजार, इनका दिल ही नहीं लग रहा था घर में। मैंने सोचा चलो इनको बाड़े पर छोड़ के आ जाता हूँ, बाड़े पर इनका दिल भी लगेगा और ये इंजॉय कर लेंगे बकरियों के साथ। आओ माहौल में आओ जरा, बाहर आओ, शाबाश, चलो। ये बकरा था हमारा, ये बकरा हमने जो है भैंस कॉलोनी मंडी से लिया, ये माशाल्लाह से हमारा बकरा, ये हमने भैंस कॉलोनी मंडी से लिया। आप कमेंट में बताएं वज़न में आपको कितना लग रहा है ये, और मैं भी इसके जो है प्राइस भी बता देता हूँ आपको। आओ सेठ साहब, आओ आओ, आओ 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 मैदान में आओ, चलो। माशाल्लाह से ये बकरा है भाई, देखें आप, और आप बताएं कि आपको ये वज़न में कितना लग रहा है। माशाल्लाह से खूबसूरत बकरा है ये हमारा, खूबसूरती आप देख सकते हैं, माशाल्लाह ये बकरी है भाई, ये बकरी और ये हमारा बकरा। मेरे ख्याल से इनके बीच में आपस में कुछ चल रहा है, तो सेठ साहब का जाने का दिल कर रहा है घर पर, सेठ साहब का दिल लग गया यहीं पर। ये बकरी, जब जब मैं देखता हूँ ना, ये सेठ साहब यहाँ पे आते हैं, बकरी भी यहाँ पे आ जाती है, फिर सेठ साहब वहाँ पे जाते हैं, बकरी भी वहाँ पे चले जाती है। सेठ साहब कौन से गुल खिला रहे हो?
क्या कर रहे हो, सारी रिपोर्टें मिल रही हैं। चलो शाबाश पे धन्य हो, चलो 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 बेटा, चलो ना मैदान में, चलो चलो हाँ चलो चलो। सेठ साहब हाउ आर यू, नाराज नाराज से लग रहे हैं सेठ साहब। सेठ साहब को बाड़े पे लेके आए सिर्फ इसलिए कि चलो सेठ साहब खुश हो जाएंगे बाड़े पे आ गए और सुकून से रहेंगे यहाँ पे, लेकिन सेठ साहब मुझे लग रहा है मुझसे कुछ नाराज नाराज से लग रहे हैं। सेठ साहब की रिपोर्ट मिल रही है कि सेठ साहब खाना भी नहीं खा रहे आजकल, बहुत सोच रहे हैं खाना खाने में भी। आओ सेठ साहब, क्या मसला है, खैरियत है सब? चलो अच्छा, तो ये बकरा है भाई हमारा, ये हमने भैंस खा ली मंडी से लिया है, और ये आप देख रहे हैं। अच्छा तो ये बकरा भाई हमारा, हमने भैंस कॉलोनी मंडी से लिया है, आप देख रहे हैं वज़न में भी आपको जो ये दिख रहा होगा कि कितना है। हमारे अंदाजे से तो वज़न में ये तकरीबन 30 किलो 32 किलो है गोश्त में। ये हमने ख़रीदा है 45,500 रुपये का, 45,500 रुपये का लिया है हमने ये भैंस कॉलोनी मंडी से। आप बताएं, महंगा लिया है, सस्ता लिया है, या बिल्कुल सही लिया है? चलो सेठ साहब, आज का हमारा ब्लॉग, और मैंने आज आपको अपना भाड़ा दिखाया, अपने जानवर दिखाए, अपने बछड़े अपने बकरे सब दिखाया मैंने आज आपको। आपको कैसे लगे कमेंट में बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ऐसे ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा।